क्या बेड एप्स है ना, ट्रायल बैलेंस में भी दिया रहता है और बेड एप्स नीचे अलग से भी दिया रहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी। तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वो तो केवल एक ही जगह आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बेड एप्स लॉस है। और जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, इसको अपन कल बताए भी थे कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से, एसेट साइड डेटर से माइनस, दो जगह। श्वेता मैम एडजस्टमेंट समझ में आ रहे हैं? नहीं सर, वो मतलब कल की क्लास मेरी सर छूट गई थी, अभी मैं देख लूंगी पुराना वाला तब समझ आएगा। हाँ, तो ये एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है कि फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता है हमेशा, हाँ फाइनल अकाउंट बनाते समय। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर अलग से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी रहती है उनका डबल इफेक्ट होता है फाइनल अकाउंट में। डबल इफेक्ट मतलब कि उनकी एंट्री जो है उसका जो रिकॉर्ड करते हैं अपन फाइनल अकाउंट में, वो दो जगह होगा कहीं भी। अब कहाँ कहाँ दो जगह होगा वही सब अपन पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट का दो दो जगह होता है। जैसे अभी मैं बता रहा था बेड एप्स, कि बेड एप्स जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो तो उसका दो जगह कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होता है। तो ये हमारे कॉलम में दिया हुआ है, देखिए थर्ड कॉलम में लिखा है ना फर्स्ट इफेक्ट, ये ऊपर में देखिए ये थर्ड कॉलम जो है वो है फर्स्ट इफेक्ट, कि उसका पहला रिकॉर्ड कहाँ करेंगे फाइनल अकाउंट में। और उसके बाद लिखा है सेकेंड इफेक्ट, मतलब कि उसका दूसरा रिकॉर्ड कहाँ करोगे फाइनल अकाउंट में, क्योंकि हर एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी हर एडजस्टमेंट का दो जगह एंट्री होगा ही होगा, दो जगह आएगा ही आएगा। तो अब जैसे ये बेड एप्स, तो बेड एप्स यदि हमको एडजस्टमेंट में दिया है तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉस है, पैसा डूब गया हमारा डेटर्स का। और माइनस दूसरा ये डेटर से माइनस हो जाता है। तो वैसे ही सभी एडजस्टमेंट, इसके पहले के जो एडजस्टमेंट है इन सब का हमने कल बताया था। जैसे कल हमने बताया था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हो तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट से माइनस कर देते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीन का डेप्रिसिएशन है तो प्लांट एंड मशीन से माइनस, फर्नीचर का है तो फर्नीचर से माइनस। और ये सब एडजस्टमेंट में दिया रहता है तभी दो दो जगह एंट्री होती है। यदि कभी डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दे देता है मान लो, तो फिर अपन उसका फॉर्मेट पढ़े थे याद करो 2 दिन पहले, कि डेप्रिसिएशन एक जगह आता है प्रॉफिट एंड लॉस के हाँ पीएनएल डेबिट में में। आता है हाँ जी डेबिट में। हाँ, और यहाँ लिखा भी है आखिरी वाले कॉलम में, देखिए आखिरी कॉलम में लिखा लिखा है भी है कि यदि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हो, ट्रायल बैलेंस में दिया हो करके ऊपर में लिखा हुआ है हेडिंग, बार बार नहीं लिखा है वो वर्ड एकदम ऊपर में, इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। या नीचे लिखा है कि डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो केवल एक ही जाएगा, ओनली डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। डेबिट तो साइड ऑफ पीएनएल। ये चार्ट जो है इससे देख के पता चलता है कि ट्रायल बैलेंस में कोई चीज दिया हो तो एक जगह कहाँ और एडजस्टमेंट में दिया हो तो दो जगह कहाँ। इसके बाद ये हम लोग बेड एप्स तक कल कर लिए थे, अब मैं उसके आगे का बता रहा हूँ। प्रोविजन फॉर बेड डेप्स, या इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेप्स। बिजनेसमैन को मालूम होता है हर साल कि उसका देनदारों का यानी डेटर्स का, जिनसे हमको पैसा लेना है, जिनको हमने गुड्स उधार बेचा है, जिनको हमने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया है, तो बिजनेसमैन को एक आइडिया हो जाता है कि भाई हर साल हमारा 10% या 5% या 2% इस टाइप से, कि इतना पैसा हमारा हर साल डेटर का डूब जाता है। तो वो क्या करता है, उसके लिए पहले से ही एक फंड बना के रख लेता है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। इसको डाउटफुल डेब्ट्स इसलिए बोलते हैं कि वो पैसा डूबा नहीं है, फ्यूचर में डूब सकता है, इसलिए हम उसके लिए पहले से ही एक प्रोविजन करके रखते हैं, ताकि कभी डूब जाए तो हमको अचानक मतलब फाइनेंशियल बैड इफेक्ट ना हो, पहले से ही फंड बना के रख दोगे तो, इसलिए वो प्रोविजन बना के रख देते हैं।
तो वो जब प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन हमेशा कहां से बनता है, फंड कभी भी कहां से बनता है, प्रॉफिट में से। इसलिए इसका एक तो एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से माइनस कर देते हैं एसेट साइड में, जितना हम प्रोविजन कर रहे हैं उतना डेटर्स कम करके दिखाते हैं, डेटर से माइनस हो जाता है वो अमाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसके बाद ये प्रोविजन जो है, कभी कभी प्रोविजन जो है वो कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी दिया रहता है, और उसमें भी दिया रहता है, एडजस्टमेंट में भी, दोनों जगह दे देता है। तो एडजस्टमेंट वाले का तो बता दिया मैंने आपको कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस में दे दिया है तो उसको पुराना प्रोविजन बोलते हैं, जो पहले कभी किए होंगे लास्ट ईयर, तो पुराना जो बचा हुआ प्रोविजन है वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया रहता है, तो उसको या तो नए प्रोविजन से माइनस कर देते हैं, दो ऑप्शन है उसको दिखाने के, या तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में न्यू प्रोविजन जो बनाते हैं ये एडजस्टमेंट वाला जो अभी अपन पढ़े थे उसमें से माइनस कर देते हैं, और यदि उसमें माइनस नहीं करो तो फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में भी दिखा सकते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में प्रोविजन से माइनस कर देते हैं नए प्रोविजन से, और या फिर प्योर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो अपन जब बनाएंगे तो इसको बताएंगे आपको कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। सेम वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कि भाई डेटर्स को हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो उसके लिए भी पहले से ही एक प्रोविजन बना लेना। तो इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल ऊपर जैसा ही होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट जैसा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि हम फंड बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, तो प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट से ही बनता है, तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है, तो पीएल के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और दूसरा सेम वैसे ही जैसे ऊपर में था, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। ये सब ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया रहता है अभी जो पढ़ रहे हैं अपन, अब इसके आगे जितने भी चीजें हैं ना प्राय वो उसी में दी रहती है एडजस्टमेंट में। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कभी दे दिया हो एडजस्टमेंट में तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। इसका एक चीज और समझ लेते हैं अपन कि क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स भी दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी दिया है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी दे दिया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या बोला कि क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स भी दिया है, जो यहां 12 नंबर में दिया है एडजस्टमेंट नंबर 12, कि एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स भी दिया है, एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी दिया है और एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये तीनों चीज दी हुई है। तो हमेशा ध्यान रखना कि डेटर से पहले बैड डेब्ट्स माइनस होगा, बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जितने का डेटर बचेगा उस अमाउंट पे प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रोविजन परसेंट में दिया रहता है, 2%, 3% या 5% या 10% इस टाइप से। तो वापस मैं बोल रहा हूं कि बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद, बैड डेब्ट्स को माइनस करने के बाद जो हमारी अमाउंट बचती है उस पे ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कैलकुलेट होगा। तो इसलिए डेटर में पहले क्या माइनस होगा, बैड डेब्ट्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और उसके बाद फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा है ना, यहाँ पर 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर पहले
पहले बैड एवर्स, फिर प्रोविजन पर बैड एवर्स, फिर प्रोविजन पर डिस्काउंट, तो ये तीनों चीज क्वेश्चन में दी हो तो डेटर्स में भी इसी सीक्वेंस से माइनस होगा, पहले बैड एवर्स उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एवर्स उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसी सीक्वेंस में। सर एक एग्जांपल देके इसको बताइए। चलो भाई इसका एक एग्जांपल देख के समझ लेते हैं अपन अभी। कल बता रहे थे उसमें थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल अभी बता देते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्रायल बैलेंस दी हुई है, पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं लिख रहे हैं अपन, केवल जो हमारे अभी काम की चीजें वही लिख रहा हूँ। कि जैसे अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होते हैं अमाउंट के, एक डेबिट का अमाउंट होता है और एक क्रेडिट का अमाउंट होता है। तो अब मान लो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है डेटर्स का अमाउंट, डेटर्स तो हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, मान लो दिया हुआ है 20,500। एक मिनट इसको समझने के पहले, ये जो बच गया एक एडजस्टमेंट उसी से रिलेटेड, उसको भी पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक एडजस्टमेंट जो बच गया ये वाला 15th वाला, क्योंकि वो भी इन्हीं से मिलता जुलता है। वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, अपन अभी पढ़े थे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मतलब ये तो हमको डिस्काउंट मिलता है क्रेडिटर से, तो उसके लिए पहले से ही इनकम मानकर प्रोविजन कर लेना, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाले का रिवर्स, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर से माइनस। क्रेडिटर्स आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो अब इसका भी एग्जांपल साथ ही साथ आपको समझा देता हूं मैं, तो ये पूरा आपका हो जाएगा क्लियर। एक मिनट ये पहले हटा देता हूं पुराना। डेटर से 20,500 और क्रेडिटर से मान लीजिए आपके 10,000। क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट में दिया रहता है ना ट्रायल बैलेंस में, और डेटर्स हमेशा डेटर डेबिट में। ट्रायल बैलेंस किसी को नहीं मालूम हो तो मेरा जो YouTube में वीडियो है ट्रायल बैलेंस वाला छोटा सा वीडियो, उसको देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं ग्रुप में डाला था अभी 2-3 दिन पहले। इसके बाद नेक्स्ट कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है बैड डेब्ट्स, ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिया मान लीजिए 300। तो ये ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी चीजें दी रहती है, उसके साथ ये चीजें भी दी हुई है, क्योंकि अभी अपन बाकी पूरा नहीं लिख रहे, तो ये इतनी चीजें हमको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे लिखी रहती है ट्रायल बैलेंस के बाद अलग से, जिसको अपन एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ऊपर में जो पैसा डूब गया उसके अलावा और न्यू बैड डेब्ट्स अमाउंट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स, ऊपर में जो डूबा हुआ उसके अलावा और रुपीस 500। सेकेंड दे दिया आपको मेक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2%। मेक 5%
परसेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेटर्स, दोनों पे, डेटर्स पे भी और क्रेटर्स के भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब यहां पर देखिए, ट्रायल बैलेंस की चीजें जो जहां जाती है वहां डाल दी जाती है, उनको दो दो जगह एंट्री इनका होगा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ट्रायल बैलेंस में जो चीजें दी हो तो एक की जगह आएगी, डेटर्स कहां आएगा एक जगह, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर दिया इसको कहां दिखाएंगे, ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट्स में, बिल्कुल सही, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज हो गए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बस ये तीनों तो कहां कहां आएगा ये बिल्कुल अपन बता दिए एकदम सिंपल इजीली। बस अब बच गया क्या, ये एडजस्टमेंट कहां कहां आएगा, बस इतना ही तो बताना है, बाकी तो आपने फटाफट बता दिया अभी, तो मैं लिख के भी बता देता हूं जो चीज आपने अभी बताई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन रहा है, केवल इतनी चीजों को शो करना है जो अपन अभी बना रहे हैं, उतने का एडजस्टमेंट दिखाना है अभी, पर्टिकुलर अमाउंट, चार कॉलम होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड दो कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड भी दो कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, अब इसके बाद जो ऊपर की चीजें अभी आप लोग बताए थे कि कौन सा कहाँ कहाँ आएगा उसको दिखा देते हैं, और यहाँ पर साइड में बैलेंस शीट भी बता लिख देता हूँ ना, साइड में लिखूं कि नीचे लिखूं, आप लोगों को कहाँ कंफर्टेबल रहेगा, बैलेंस शीट सर दिखेगा, साइड में लिख दूं, हाँ सर वहां दिखेगा, एक साथ सब दिखेगा, बैलेंस शीट में जो कॉलम होते हैं लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, इसके फॉर्मेट वगैरह सब पढ़ चुके हैं अपन, सिंपल क्वेश्चन भी बना चुके हैं। अब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में दिया डेटर, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रायल बैलेंस में जो ऊपर में डेटर दिया हुआ है वो आपने बताया था कि बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, तो ये लिख देते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स में, और बैलेंस शीट के एसेट्स में किधर आएगा, सॉरी बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा, और इसको पहले अंदर में लिखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसका अमाउंट पहले बाहर में मत लिखना, अंदर में लिखेंगे इसका अमाउंट, डेटर्स कितना है 20,500, ये लिख दिया हमने। फिर क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ आता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, तो इसको भी अंदर में लिखना क्योंकि इसका भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, नीचे देखिए कितना है क्रेडिटर्स 10,000। अब क्या बच गया, बैड डेट्स, पहले हम ऊपर की चीजें देख रहे हैं भाई, ट्रायल बैलेंस में जो दी हुई है, डेटर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बैड डेट्स, बैड डेट्स आपने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, ये लो लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू बैड डेट्स
ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है ना, ये पुराना वेरिएबल्स, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मैंने लिखा है डायरेक्ट वेरिएबल्स कितना, 300, पुराना मतलब एडजस्टमेंट के पहले का है वो। इसके बाद अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करें। अभी तक हमने वो बस लिखा था, कौन सा, जो ट्रायल बैलेंस में दिया था उनको लिख दिया। देखो जो जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी वो अपनी अपनी जगह में चली गई, तीनों, डेटर चले गया, क्रेडिटर चले गया, बेडेप्स चले गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, और हर एडिशनल इंफॉर्मेशन की दो दो जगह एंट्री होगी। कहाँ कहाँ दो जगह एंट्री होगी, तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पहला क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स ₹500, कि ₹500 हमारा और डूब गया जो ऊपर में दिया ना उसके अलावा। तो ये दो जगह कहाँ कहाँ आएगा सुनील जी? तो ये पीएल में जुड़ गया है, बैंडर्स एक तो पीएल में आ जाएगा डेबिट साइड में, और दूसरा में, और वहां इफेक्ट में चला जाएगा फिर वहां पे डेटर्स। तो दूसरा जो है वो बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हो जाएगा। तो 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये 5% किसका कैलकुलेट करूं? अच्छा सॉरी, अभी फर्स्ट वाला कर रहे थे, अरे बैड डेब्ट्स लिख रहे थे, मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिख दिया। एक मिनट, करेक्शन कर देता हूं मैं। एडजस्टमेंट में जो दिया रहता है इसको लिख देते हैं न्यू बैड डेब्ट्स। कितना एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेब्ट्स? बात 500। अब हर एडिशनल इंफॉर्मेशन की दो जगह एंट्री होगी। तो दूसरा आपने अभी बताया था कि डेटर से माइनस, तो ये देखो बैलेंस शीट में डेटर से माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस न्यू बैड डेब्ट्स। कितना? 500 500। तो अब डेटर कितना बच गया? 20,000। 20,000। अभी भी डेटर्स को बाहर नहीं लिखे अपन, क्योंकि अभी और है इसका एडजस्टमेंट। अब सेकेंड एडजस्टमेंट, फर्स्ट वाला हो गया दो जगह, पहला वाला दो जगह हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। अब प्रोविजन, प्रोविजन का क्या पढ़े थे आप लोग? वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। कौन सा? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, जो घटाने के एडिशनल। बाद। हाँ जी।